ये जो है ना क्या बोलते हैं, दिशा जो गिरी है उसके पास कपड़े नहीं है। नहीं 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 कपड़े पब्लिक न्यूज पे चल रहा है हर जगह। क्या चूतिया चैनल है, कपड़े देखा तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आप इधर ही रहते हो? मैं कांदी वाली ये इसमें रहता हूँ। मेरा घर तो 15 मिनट डिस्टेंस पे है। मैं देख रहा हूँ, मैं मुझे नहीं पता है लेकिन उन लोगों को पता है बहुत कुछ। नहीं नहीं कपड़े चैनल वाले गलत चला रहे हैं। ये ऊपर से 12वें या 14वें फ्लोर से नीचे। अच्छा कपड़ा था कि नहीं इतना बता दो। कपड़ा था लेकिन सबसे बड़ा न्यूज़ ये चला रहा है कि दिशा का जब बॉडी पंचनामा जब हो रहा था, जब लेने के लिए जब जा रहे थे, तो बताया जा रहा था कि दिशा के शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसको लेकर आप क्या मानते हो? जब भी पोस्टमार्टम होता है ना तो पोस्टमार्टम किसका बॉडी का? बिल्कुल हाँ। पोस्टमार्टम जो होता है वो न्यूड बॉडी होता है, लिख के आता है, ठीक है। अब ये लोग पंचनामा का जो रिपोर्ट है वो हवाला देकर बोल रहे हैं। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ उस जगह पर जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत केस में एक जो नाम है काफ़ी चर्चित है, उनका एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर, जिसका नाम है दिशा सैलियन। दिशा सैलियन ये जो गैलेक्सी रीजन का जो ये बिल्डिंग है, यहाँ के 14वें फ्लोर से कहा ये जा रहा है वो कूद कर उन्होंने अपनी जान दी थी। ये सुसाइड है या फिर मर्डर है, ये जांच का विषय है। अब यहाँ पर एक बात, एक नई थ्योरी ये सामने आई है कि जब दिशा 14वें फ्लोर सर फ्लोर से जब यहाँ पर कूदी थी, या फिर दिशा की जो पार्थिव शरीर यहाँ पर जब आई थी, ठीक इसी जगह की बात है, यहाँ पर दिशा की बॉडी आई थी इसी स्पॉट पर, तो कहा ये जा रहा था कि दिशा के शरीर पर कपड़े नहीं थे, ये बातें हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की है और यहाँ के लोकल से डिटेल्स खंगालने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा है कि दिशा के शरीर पर कपड़े थे।